अरे यार, ये बैंक में भी खून से भरे हुए नोट आ रहे हैं। थैंक यू ट्रकूड ट्रकूडता नहीं है, हार गया बाबू। दातिया होते हैं अंदर, दातिया कतरा बुरा, बहुत बुरे होते हैं भाई। बैठ के खाने का जो मजा है, खड़े खाने में है क्या? नहीं है। नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग शानदार होंगे, मजे में होंगे, टकाटक होंगे, आपके घर वाले भी टकाटक होंगे। सुबह हो गई है और सुबह सुबह आ गए हैं घर वाले, काम घर वाले सारे काम मेरे सर पे रहते हैं। और सुबह सुबह मंडी जाना है, वहां से एक वीट है उसकी एक बोरी लेनी है, फिर मार्केट चलना है, वहां से पैसे निकालने हैं, बहुत सारे सामान है ग्रोसरी के। ये क्या कर रहा है? ओए 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 भाई साहब। तो क्या है कि कई लोग बोलते हैं कि यार तू हमेशा घर के सामान लाता हुआ रहता है और घर के सामान जो ग्रोसरी के सामान वगैरह लाता है उसी की वीडियोस बनाता रहता है। और कर भी क्या सकता हूँ भाई, वही काम करता हूँ मैं, तो जो काम मैं करता हूँ वही तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। चलो चलते हैं। और है जो भाई, आप लोगों को भी है ना प्यार दिखाना चाहिए कि यार आपका भाई इतनी मेहनत कर रहा है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो करो यार, भाई कर दो यार। अरे यार, ये बैंक में भी खून से भरे हुए नोट आ रहे हैं। खून से भरा हुआ नोट, किसने लगा दिया इस पे खून? कोई बात नहीं भाई। तो गाइस, ये है हमारे मालपुरा की मंडी। यहाँ पर जो किसानों की फसल है उसका मूल्य यहाँ लगता है, मतलब यहाँ बिकती है। खेत से फसल कटने के बाद में रेडी होके यहाँ आती है, हमारी भी फसल इधर ही आती है। एक्चुअली मुझे चाहिए जो, और जो खाती है हमारी भैंस, और वो मिलेगा इधर। तो गाइज, अपन ने मंडी से ले लिए हैं जो जो मतलब जो छिलके वाले गेहूं होते हैं उनको जो बोलते हैं, वो लेते हैं हम हमारी भैंस के लिए। हमारी भैंस खाती है और उसके बिना दूध और नहीं देती भाई, और दूध पीना है तो जो खिलाने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। एक तो दियो अचार आलू मसालो और एक छोटो सिरको। गजब ही है यार। अभी मैं मतलब मार्केट से सामान ले ही रहा हूँ और मम्मी का कॉल आया कि बेटा 2 किलो घी लाना है सरस वाला। मैंने बोला यार घर पर तो घी अपने होता है, भैंस देती है ना घी, तो तुम्हें बोलती नहीं गाय को खिलाना है, मतलब गाय को घी खिलाएंगे और फिर वो गाय दूध देगी और फिर वो हमें दोबारा घी देगी, इससे अच्छा तो फिर क्या, मतलब समझ नहीं आया यार मेरे को। मतलब पहले गाय को हम घी खिलाएंगे और फिर उसके बदले में गाय हमें दूध देगी, फिर हम उसका घी बनाएंगे, मतलब घी के बदले घी वाला सीन हो गया है। तो यार गजब ही भाव बढ़ रहे हैं गाय के। राम राम जी, घी कई भाव दिया? 573 रुपए किलो है गाय का घी। यार मम्मी से पूछना तो पड़ेगा क्या चक्कर है घी के बदले घी। मेरे को एक ये चीज समझाओ कि मतलब गाय ने पहले अपन घी खुआला, फिर अपन गाय घी दे लियो, गाय सिस्टम से घी के बदले घी को? भाई घी सही रहे उसे गाय को, गाय का दूध बढ़े से, गाय का फेट आओ से। अच्छा, और गाय का स्वास्थ्य सही रहे उसे। अच्छा स्वास्थ्य सही है जी। तो हमें से कौन ही पड़ जाएगी? नहीं नहीं, गाय की डिलीवरी की टाइम। अच्छा अच्छा, मैं सोचो यार घी के बदले घी तो गाय स्वस्थ रहे। अच्छा बढ़िया रहे। अच्छा अच्छा, आप समझ में आया। थैंक यू। तो चलो बच्चों से कुछ मस्ती कर लेते हैं। अरे कपड़े क्यों नहीं पहने आपने? कहाँ पहन लिए कपड़े? नहीं आपके कपड़े कहाँ हैं? आपने कहाँ पहने हुए कपड़े? नीचे तो कुछ नहीं पहन रखा आपने। बाबू नहीं भाई, इन्होंने पेट्रोल पी लिया लगता है। इधर माँ बैठी है और इधर ये खेल रहे हैं। ये है माँ की गैंग। माँ चल आ जाओ खेलो, चिड़ी उड़ खेलते हैं। हाँ, आ जाओ अक्कड़ बक्कड़ बम बम, चिड़ी उड़ खेलते हैं। चिड़ी उड़ खेलते हैं। रुको लगे लगे, चिड़ी उड़ खेलते हैं बाबू। इसे रखो, चिड़ी उड़ पक्का उड़, ये कोई बात थोड़ी होती है। चिड़ी उड़ कौवा उड़ ट्रक उड़। ट्रक उड़ता ही नहीं है, हार गया बाबू, हार गया। नीवा
तो गाइस ये तो क्या है कि बच्चे हैं जो लगातार शैतानी कर रहे हैं और इनकी शैतानी सारे दिन भर ही ऐसे ही चलती है। सब्जी खाएंगे बड़े रे मैं तो जिम में जाऊंगा मार मत बना जी। तो गाइस अब चलते हैं मार्केट में, मेरी सासू जी को नगर पालिका से घर लाना है। मेरी सासू माँ है जो वो है नगर पालिका में पार्षद यानी प्रियंका की मम्मी। चलो काम तो सारे मुझे ही करने हैं सारे घर वालों के। तो गाइस आज जो है जो मम्मी जी की मीटिंग थी नगर पालिका में, मम्मी जी पार्षद है नगर पालिका से। और एक और बात, मम्मी जी ने आज प्रस्ताव रखा है वहाँ पर कि हमारा जो सर्किल है ना चौराया, मतलब दूध हमारा जो घर है उसके पास में एक तिराया है, वहाँ अगर सर्किल बन जाए ना तो वहाँ पर एक्सीडेंट बहुत कम हो जाएंगे, मतलब एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं अभी। और थैंक यू मम्मी जी इसके लिए, आपने लोगों की भावनाओं को देखते हुए ये मांग उठाई। राम राम तो करो। मैंने भी खाना। ये बैठे हैं गोपाल जी और ये हमारा राजू भाई आ गया ट्रैक्टर लेके गाँव वाला। और वकील साहब क्या चल रहा है, कैसे चल रही प्रैक्टिस आपकी? प्रैक्टिस ही बोलते हैं क्या बोलते हैं लो, मतलब जैसे डॉक्टर ऑपरेशन वगैरह और मरीजों को देखता है तो वो प्रैक्टिस करता है। आप क्या करते हो? बहस। अच्छा बहस करते हो, आपकी बहस तो खतरनाक होती होगी यार। दांतिया होते हैं अंदर। दांतिया खतरा भरा बहुत बुरे होते हैं। हाँ तो ये बात है, दांतिया होते हैं कोर्ट के अंदर बता रहे साले साहब। चलो ठीक है ठीक है लाला भाई चलते हैं। कह तो रहा हूँ इस वजह से मेरा ना मन नहीं करता मालपुरा में रुकने को, फिर बोलते हैं मालपुरा में नहीं रुकता। मैं इसलिए बार भाग जाता हूँ क्योंकि यार अब देखो मेरे को वापस से दवाई लेके आनी है नीम के लिए, क्या करें यार वही करना पड़ेगा। राम राम जी। शंकर जी राम राम। राम राम जी। यार वे कहे छोरा छोरी बीमार है क्या, दवाएं दो। चलो ठीक है शंकर जी, ठीक है धन्यवाद। ठीक है भाई साहब राम राम। और चैनल सब्सक्राइब कराओ यार। कर भी ले जाएगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आ रहे दिनेश भाई लड़ाई दिना में मिलो रे वो खड़ी जे कहे जे बात कहे जे बेटा वो बड़ा बना के करो जो मिला ही को ना बड़ा आदमी हो गया है। दिल में रहने वाला कोई मिल थोड़ी है। खड़ी घूम रहे जे बस आपकी नगरी में। अच्छा और घर सब बढ़िया एकदम टकाटक? बाल बच्चा बढ़िया टकाटक? ले चला गाड़ी घूम बचाला एक दिन फिर चलो खड़ी चालो जाएंगे बढ़ाओ जा। चलो यार भाई मिल गया थोड़ी गपशप मार लेते हैं। मतलब बहुत प्यारा भाई है, बहुत क्लोज भाई है अपना मालपुरा में दिनेश भाई। टकाटक टकाटक। तो गाइस बातें हो गई, मेरा भाई काफी टाइम बाद मिला था मुझे तो बातें टकाटक वाली हो गई है। और अब शादी में जाना है मुझे तो चलते हैं घर पे। दिनेश टाटा बहुत अच्छा लगा भाई। बहुत अच्छा अच्छा बहुत अच्छा एक नंबर है ना मेरा भाई मिला मेरे को बहुत दिनों में। चलो ना दिनेश ठीक है सर ध्यान रखे ना। ओके ओके। और राम राम करना घर पे मम्मी पापा को सबको ना। ठीक है राम राम करो। राम राम करो सबसे। तो गाइज मैं हो चुका हूँ रेडी शादी में जाने के लिए। रेडी तो क्या होना यार, एक जींस दूसरा डाल लिया और शर्ट दूसरा डाल लिया और राकेश भी जा रहा है साथ में। चलो चलते हैं। चले भाई चलते हैं। बाइक पे मिलता है सुकून और ठंडी हवा। जो गाइस खाना खाने का तरीका है ना वो है बैठ के खाने का। भाई बैठ के खाने का जो मजा है खड़े खाने में है क्या? नहीं है नहीं है। ये देखो इस तरीके से खाते हैं हमारे इधर और यही तरीका बेस्ट है आई थिंक। अरे शशि सेवा कर सेवा। तो गाइस केशव भाई मिले हैं मुझे, मेरे सारे वीडियोस देखते हैं और दिल में सुकून सा मिलता है। थैंक यू केशव भाई सपोर्ट करने के लिए। वेलकम भैया। और ये चल रहा है खाना इस तरीके से कुछ होता है। आराम से सुकून से खाओ यार क्या खड़े खड़े क्या। तो भाई मिल गए अपने भाई कमल जी। और कमल जी हैं जो हम लोग क्या है फेसबुक पे तो एक दूसरे को जानते थे लेकिन आज हम मिले हैं पर्सनली और बहुत अच्छा लगा है कमल जी से मिल गए और आगे भी मिलते रहेंगे। एक ब्लॉग इनकी माइंस में भी शूट करेंगे। और पेट पूजा हो ही गई है, अब चलते हैं घर की तरफ और ख़त्म करते हैं व्लॉग क्योंकि कल सुबह जाना है पैदल यात्रा डिग्गी। तो कल वो व्लॉग भी आ रहा है पैदल यात्रा डिग्गी का।